Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10, science second, lesson number 8, Koshika Vigyan aur Jeev Pradyogiki. So, dosto, is video ko dekhne se pehle aap log part 1, 2, 3 zarur dekhiye. Part 1, 2, 3 ka link aapko description box mein mil jayega. Dosto, abhi tak aap logon ne is video ko subscribe nahi kiya to please subscribe aur channel like kijiye aur apne friends ke sath share. Paryavaran aur Jeev Pradyogiki. इसका मतलब यह हो गया कि पर्यावरण या जैव प्रौद्योगिकी जो भी है ये आपस में कितना इनको हानि हुई कितना लाभ हुआ क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी बहुत से प्रश्न हल करना संभव हुआ है, मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके कारण पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का हल निकाला गया है। पहला है विघटन द्वारा अनुपयोगी निष्कासित जल। विघटन के द्वारा क्या किया जाता है, जल और ठोस कचरे की प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है, मतलब जो निष्कासित जल है जो हमारे घर से जो जल निकलते हैं वो और ठोस कचरे पर प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही किया जाता था। ऐसा निष्कासित जल नदियों जैसे प्राकृतिक जल स्त्रोतों में प्रवाहित करने से कार्बन द्रव्यों का ऑक्सीडीकरण होता था, जिससे नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन के उपयोग में लाए जाने वाली मात्रा कम हो जाती है और इस पर उपाय यह है कि सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी की सहायता से निष्कासित जल के कार्बनिक घटकों का पहले ही ऑक्सीडीकरण करके ऐसी प्रक्रिया किया हुआ निष्कासित जल नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। जो भी हमारा निष्कासित जल था तो उसको ऑक्सीडीकरण होता था और उसके वजह से क्या होता था कि जो भी ऑक्सीजन जो उसके अंदर ऑक्सीजन घुले होने के कारण में ये मात्रा कम हो जाती थी और सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी के कारण उसका जो निष्कासित जल है वो नदियों में छोड़ दिया जाता जाना चाहिए। इसमें पहला है ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थों पर प्रक्रिया करके कंपोस्ट खाद बनाते समय भी बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थ है मतलब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है ऐसे पदार्थों को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। नए जैव तकनीकी विधि में उपायोजन जैव कीटनाशक जैव खाद जैव संवेदकों आदि का समावेश होता है। जैव उपायोजन अर्थात वनस्पति और सूक्ष्म जीवों जैसे सजीवों का उपयोग करके जल निष्कासित जल और प्रदूषित भूमि इनके विषैले रसायनों और प्रदूषकों का नष्ट करना। उपाय योजना का मतलब क्या हो गया, जो भी इनके अंदर के विषैले रसायन होंगे प्रदूषक होंगे उसको नष्ट करना या तो अवशोषित करना। इसके लिए वनस्पतियों का उपयोग किया गया हो तो फाइटो रेमेडिएशन जो ये प्रदूषक को नष्ट करना है जो उसके सूक्ष्म जैविक विषैले रसायन को नष्ट करना है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, वनस्पतियों का किया गया है और उसे क्या कहता है तो उसे क्या कहा जाता है फाइटो रेमेडिएशन। जैव उपायोजन के कुछ निम्न उदाहरण है तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया। पहला है सुडोमोनस ये जीवाणु दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन तेल जैसे प्रदूषक अलग करने में उपयोगी होते हैं, मतलब जो दूषित पानी है या जमीन है उसमें से तेल को अलग करने के लिए सुडोमोनस नाम का जीवाणु का उपयोग किया जाता है। दूसरा है टेरिस विटाटा। टेरिस विटाटा में क्या होता है, यह फन प्रजाति की वनस्पति जमीन से आर्सेनिक धातु को अवशोषित कर लेती है। ये क्या करती है, आर्सेनिक जो धातु होती है उसको अवशोषित कर लेती है सोख लेती है। फिर तीसरा है भारत में जनों की दृष्टि से जो एक प्रकार का सरसों है ये सरसों की एक प्रजाति है जिसको हम राई बोलते हैं, राई की एक प्रजाति है, सेलेनियम खनिज बड़ी मात्रा में यह अवशोषित करती है। फिर सूर्यमुखी का जो फूल है सूर्यमुखी यह यूरेनियम और आर्सेनिक अवशोषित कर सकता है। डीनोकोकस रेडियोडरन्स ये जीवाणु जो है सबसे पहले रेडियोधर्मी प्रतिकारक सजीव है, उससे जनुकीय बदलाव किए गए हैं, इससे क्या किया गया है जनुकीय चेंजेस किए गए हैं जिससे परमाणु कचरे से रेडियोधर्मी पदार्थ अवशोषित करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। फिर है अल्फाल्फा घास, तीन पाती घास और राय जैसे घास के प्रकारों का उपयोग वनस्पति द्वारा उपायोजन के लिए भी किया जाता है। अल्फाल्फा घास जो है तीन पाती घास है और राय जो है वनस्पति उपायोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य जैव तकनीक का मतलब क्या हो गया, हम लोग कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है, पाव चीज मतलब पनीर, मध्य मध्य मतलब शराब, बियर दही विनेगर सिरका
आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। ये पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए जाने वाले शायद सबसे पुराने पदार्थ होंगे। तो ये सारी जो चीज है ये अभी से नहीं होता, ये काफी समय पहले से ही तैयार होते हुए आ रहे हैं। उसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का गठन भी एकमेव होता है। जिस तरीके से इंसान की उंगलियों का जो निशान होता है वो एक ही जैसा होता है, उसी तरीके से डीएनए का भी जो गठन होता है एक होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है। इस पद्धति को डीएनए फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग न्यायिक विज्ञान में किया जाता है, मतलब फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग किया जाता है। आपराधिक स्थान पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग का उसकी पहचान करवाई जा सकती है। जो भी आपराधिक स्थान है और वहां पर जो भी अपराधियों पाए जाएंगे, जो भी गुनाह किए रहेंगे, तो ये फिंगरप्रिंटिंग के सहायता से उसकी पहचान की जा सकती है। उसी प्रकार किसी बच्चे के पिता की पहचान भी की जा सकती है। जैसे कोई बच्चा है और उनके पिता है, तो डीएनए के सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। यह संशोधन हैदराबाद स्थित सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इस केंद्र में किया जाता है। अब है समुद्र तेल में रिसाव की स्वच्छता। जिस तरीके से हम लोग ने देखा था कि समुद्र है, समुद्र में जब भी हम तेल वगैरह निकालते तो समुद्र में पानी के जगह पानी के ऊपरी सतह पे तेल जमा हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते। तेलों के टैंकर से रिसाव होने से सजीव सृष्टि पर विपरीत परिणाम पड़ता है। जो सजीव सृष्टि है, चाहे वो समुद्र के अंदर रहने वाले सजीव सृष्टि हो चाहे बाहर रहने वाले, इसका सजीव सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब तीव्र गति से बढ़ने वाले तैल जन पदार्थों का पाचन करने वाले जीवाणु का उपयोग कर अत्यंत सस्ते और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समुद्र की स्वच्छता करना संभव हुआ। अगर जैसे समुद्र के पानी में तेल जमा हुआ है तो उसको हम निकालेंगे कैसे, तो उसको किससे निकालेंगे, जीवाणुओं से निकालेंगे। अब देखते कैसा है। भारतीय वंश के परंतु अमेरिका का नागरिकत्व वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इन्होंने सबसे पहले ऐसे जीवाणु का उपयोग सुझाव दिया। वास्तव में उन्हें खोज का श्रेय प्राप्त होता है। तो मतलब ये जो पानी में से जो तेल निकालने वाली जो प्रक्रिया है, पानी के अंदर जो तेल जो रिसाव हुआ है उसको निकालने की प्रक्रिया जो है आनंद मोहन चक्रवर्ती ने ही किया है। अब यहाँ पे कृषि विकास का महत्वपूर्ण सोपान। जैसा कृषि अभी तक हमने जैव प्रौद्योगिकी का पढ़ा, तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या किया जा रहा है, कुछ अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से बनाया जा रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पे हरित क्रांति दिया गया है। हरित क्रांति का मतलब क्या हो गया कि चारों साइड में हरियाली पैदा हो करना, तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से किस तरीके से किया जा रहा है। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जनसंख्या भस्मासुर का असर दिखाई देने लगा था। मतलब 20वीं सदी जब आया, सन 1901 से लेकर के 2000 के बीच में बहुत जनसंख्या अपने देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। कम मात्रा और निष्कृष्ट खाद्यान्न के कारण उसका चटका पूरा देश सह रहा था। मतलब अनाज कम पैदा हो रही थी और जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसमें मुख्य रूप से अविकसित और विकसनशील देश अधिक लपेटों में आ रहा था। जो विकसित देश अविकसित देश थे और विकसनशील देश था उसको बहुत ही इसका असर भोगना पड़ रहा था। कम खेत जमीन में अधिकाधिक मात्रा में फसलों का निर्माण करने की विधि सामूहिक रूप से हरित क्रांति करती। मतलब जगह कम है या फसल हम ज्यादा निर्माण करें उसी को ही हम हरित क्रांति कहते हैं। तो गेहूं और धान की सुधारी छोटी प्रजाति, खाद और कीटनाशकों का उचित उपयोग और जल व्यवस्थापन, इन सभी बातों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होकर के जनसंख्या भुखमरी से बच गई। हरित क्रांति में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत, इनका योगदान इसके लिए काफी मूल्यवान है। विभिन्न फसलों की नई नई प्रजातियां संशोधन के माध्यम निर्माण करने के लिए पूरे देश को अलग अलग संशोधन संस्थान प्रयोगशालाएं कार्यरत है। मतलब बहुत सारे फसल के लिए बहुत सारे संशोधन निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है, कार्य कर रही है। कौन कौन सा है, भारतीय कृषि संशोधन संस्थान दिल्ली IARI, नींबू वर्गीय फसलों के राष्ट्रीय संशोधन केंद्र और उनकी विभिन्न शाखाएं, भारतीय विज्ञान संस्था IIS, राष्ट्रीय अनार संशोधन संस्था सोलापुर, ऐसे अनेक संस्थाओं का इनमें समावेश होता है। अब यहाँ पे देखते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति का क्या,
हरित क्रांति में क्या हुआ था, अनाज पैदा हुए। अब श्वेत क्रांति में क्या है, दूध पैदा हो, दूध की पैदावार किस तरीके से बढ़ाई। दूध उत्पादन में भारत का कुछ भाग सघन था, मतलब जो दूध उत्पादन था वो भारत में बहुत सारी जगहों पे अच्छा था, परंतु उससे मिलने वाले उत्पाद सभी जगहों पर उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे उत्पाद मतलब पनीर और घी, मक्खन, बटर, ये सारी चीजें जो थी वो सभी जगह के उपयोग के लिए नहीं थी। सरकार और जैव तकनीकी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन केवल यह जोड़ व्यवस्था ही नहीं परंतु एक व्यवसाय हो सकता है, यह डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिखा दिया। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे उन्होंने क्या दिखाया कि ये जो दुग्धोत्पादन है, जो दूध का उत्पादन है, वो जोड़ व्यवस्था मतलब एक दूसरे की सहायता करके व्यवसाय के रूप में भी हम उसको कर सकते हैं। गुजरात राज्य के आनंद सहकारी दूध उत्पादन के इस आंदोलन को उन्होंने एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। दूध उत्पादन में स्वयं पूर्णता प्राप्त करते हुए उसमें गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य दुग्धजन पदार्थों का उत्पादन और उनका जतन, इस पर जैव तकनीकी का पर्याप्त उपयोग करके नए नए प्रयोग उन्होंने किए हैं। आजकल विश्व भर के लोग फिर से हमारे देश की नस्लों की प्रमुखता क्यों दे रहे हैं, ये दूध उत्पादन के तहत। अब आ गई नील क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या था, दूध। क्रांति में क्या था, फसल। नील क्रांति में क्या है, पानी। नील क्रांति अर्थात पानी का उपयोग करके उपयोगी सजीवों का निर्माण करना, मतलब पानी का उपयोग करके हमारे लिए जो भी उपयोगी सजीव है उनका निर्माण करना। पूर्व एशियाई देश में खेत, तालाब और उसमें बढ़ने वाली मछलियां काफी मात्रा में पाई जाती है। जो पूर्व साइड है, पूर्व एशिया में है, वहां पर मछलियां काफी मात्रा में पाई जाती है, परंतु सिर्फ मछलियां, झींगे आदि तक ही सीमित रहकर अन्य प्राणी और वनस्पतियों का भी विचार हो रहा है। मतलब सिर्फ वहां पे मछलियां और झींगे का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत सारे प्राणियों का भी और वनस्पतियों का भी विचार हो रहा है। भारत सरकार ने नील क्रांति मिशन 2016 NKM16 कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय को अधिक प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने का संकल्प किया। मतलब 2016 में उन्होंने क्या किया, अपना सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, जो भी मत्स्य व्यवसाय है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिले इसके लिए 50% से लेकर के 100% तक सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है। मतलब अगर किसी को मत्स्य व्यवसाय करना है तो 50% पूंजी से लेकर के 100% पूंजी तक सरकार उसको दे रही है। समुद्र के खारे पानी में तथा खेत के तालाब के मीठे पानी में बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य खेती संभव है। समुद्र के खारे पानी में भी कर सकते हो, खेत के तालाब के मीठे पानी में भी मत्स्य व्यवसाय किया जा सकता है। रोहू, कटला जैसे मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियां हैं, झींगे जैसे खारे पानी में उत्पादों का सबसे बड़ा पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। समुद्री मछलियां भी पाली जा सकती हैं और मीठे पानी की भी मछलियां पाली जा सकती। उसके बाद है खाद, फर्टिलाइजर्स। तो ये खाद आप लोगों ने देखा होगा यूपी वगैरह में या जहां पे खेती की जाती है वहां पे आप देखे होंगे, तो इस तरीके से नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया मिलता है। खेती व्यवसाय में दो प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है, एक है जैविक और दूसरा रासायनिक। जो जैविक खाद है, जैविक खाद का मतलब क्या होता है, जो हम गोबर से जैविक तरीके से बनाते हैं वो, और रासायनिक खाद मतलब ये यूरिया होगा। जैविक खादों का उपयोग से भू संवर्धन होगा कि जमीन के जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा के जैविक अंश ह्यूमस के निर्माण से भूमि के ऊपरी सतह का निर्माण होता है। जो जैविक अंश रहता है उससे क्या होता है, ऊपरी सतह का निर्माण होता है। केंचुए, फफूंदी के कारण जमीन में अन्य आवश्यक घटक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फसलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। मिट्टी विरहित खेती हाइड्रोपोनिक्स में विलेय खादों का उपयोग उचित होता है, परंतु रासायनिक खादों के अनिर्बंध इस्तेमाल से हानि अधिक होती है। लेकिन जो हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा हानि होती है, इससे मुख्यतः भूमि अनुपजाऊ होती है और इसका इस्तेमाल ज्यादा करने से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। फिर कीटनाशक, कीटनाशक का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं कीटाणु, उसके उपचार के लिए किया जाता है। वनस्पतियों में फसलों की प्रकृति रोग प्रतिकारक क्षमता और रोगों के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। वनस्पतियां और फसल जो है वो प्राकृतिक रोग प्रतिकारक क्षमता और रोगों को नष्ट कर सकती है, पर कीटनाशक के उपयोग से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे मेंढक, कीट बच्ची, जैसे किसानों के मित्र
कीटों की संख्या पर नियंत्रण रखते हैं, जो मेंढक है और कीट बच्ची है वो जो कीटाणु है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, फिर भी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कीटनाशकों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। कीटनाशक जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हमको फसल ज्यादा मिलेगी, इसलिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक यह एक प्रकार का जहर ही है। यह जहर पानी और खाद्यान्न के द्वारा भोजन जाल में फैलता है, यह हमारे आसपास में भी फैलता है। इससे जैविक विष वृद्धि होती है। विष वृद्धि का मतलब क्या हो गया? जहर बढ़ना। इसमें क्या है? डीडीटी है, मेलेथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, अनेक कीटनाशक घातक साबित हुए। उसके बाद है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मर। इस तरीके से जैविक द्वारा खेती की जा सकती है। आजकल जैविक खेती और जैविक उत्पाद मानव पासवर्ड ही बन गया है। बहुत से स्थानों पर ये जैविक खाद उपलब्ध हो रहे हैं और उनकी मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खेती करते समय हमारे यहाँ रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अनिर्बंध उपयोग हुआ, मतलब खेती करते समय रासायनिक खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। यह विषैले रसायन भोजन और पानी के माध्यम से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। जो विषैले भोजन है और पानी है, पानी के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचते, मनुष्य तक पहुंचते हैं और इसके कई दुष्परिणाम और मनुष्य और पर्यावरण को दिखाई देते हैं। इसके जो दुष्परिणाम है मनुष्य को और पर्यावरण को दिखाई देता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता और फसलों में कीड़े के प्रादुर्भाव से जुड़े कई ऐसे सवाल सामने आए हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए आज किसान बड़ी मात्रा में जैविक खेती की ओर मुड़ने लगा है। फिर से जो किसान है वो क्या करने लगे हैं? जैविक खेती के लिए मुड़ने लगे। तो अभी ये देखो, ये क्या है? ये सरसों की खली है। सरसों में से सरसों का तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो खली है। खली और केचुआ का खाद, ये केचुआ इसमें डाल करके, एक केचुआ डाल करके इसको खाद बनाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा के कसदार देसी नस्लों का उपयोग करके प्राकृतिक समतोल रख करके पर्यावरण पूरक खेती दिखाई देती है। निश्चित ही यह एक स्वागतशील कदम है और ये देखा जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद मधुमक्खी का पालन, मतलब मधुमक्खी का पालन किस तरीके से किया जाएगा। आपने मधुमक्खियों को छत्ते देखे होंगे जो नेचुरली तरीके से होते हैं। ऐसे छत्तों को निकालने के लिए बहुत ही गलत विधि आता है। मधुमक्खियों को जलती मसालों का धुआं करके भगाना और बाद में छत्ते के टुकड़े करके उसमें से निकालना। तो जो मधुमक्खी पालन, जब मधुमक्खी के हम लोग छत्ते को देखते हैं तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं? मधुमक्खियों को जलती मसाले, मतलब आग लगा करके वहां से दूर कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, बाकी छत्ते में से उसको निकाला जाता है। लेकिन इस विधि से छत्ते नष्ट हो जाते हैं परंतु बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां मर जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस तरीके का उसको इस्तेमाल किया जाता है, मधुमक्खी पालन की जाती है। फिर औषधि विज्ञान का रोपण। औषधि विज्ञान किस तरीके से, हम देखो अड़ूसला की पत्ती है और कड़ू नीम है। नीम की पत्ती है और ये नीम का फल है। इसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में कैसे कर सकते हैं? अड़ूसला का उपयोग कैसे कर सकते हैं? भारत को जैव विविधता का बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। इन सबका उपयोग करते हुए भारतीय व्यक्ति प्रकृति के साथ स्नेहिल संबंध जोड़े हुए। जो भारत का व्यक्ति है वो पर्यावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में उसका संबंध अच्छा है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके रोग मुक्त संभव करने वाली आयुर्वेद की बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। तो जो भी हमारे पास जो रोग होते हैं, जो मनुष्य को रोग होती है वो आयुर्वेद के लिए, मतलब मनुष्य के रोग को दूर करने के लिए आयुर्वेद हमारे ही देश में, भारत में बहुत ही ज्यादा पाई गई है। आयुर्वेद में बताई गई औषधि वनस्पतियां पहले जंगलों से इकट्ठा की जाती थी, अब जंगलों की संख्या घटने लगी है। इसका परिणाम यह हुआ कि महत्वपूर्ण औषधियां जो है दुर्लभ हो गई है। तो जब जंगल ही नहीं रहेगा तो हमको वो औषधि नहीं मिल पाएगी। महत्वपूर्ण औषधियों को रोपण अब बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। यहाँ पे देखो, करके देखिए, आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से बाल बूटी या जन्म बूटी का पैकेट लाइए, जन्म बूटी या बाल बूटी का पैकेट लाइए, उसके प्रत्येक घटक की जानकारी प्राप्त कीजिए। जो उसके अंदर के कंटेंट होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। उसी प्रकार से अन्य विभिन्न औषधियों की जानकारी लीजिए। नीचे दिए गए नमूनों के अनुसार कार्यक्रम है। जो अड़ूलसा की पत्ती होती है, अड़ूलसा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाने वाला वैसीसी या तैल द्रव है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खांसी के लिए किया जाता है। अब उसके बाद है फल प्रक्रिया उद्योग। फल प्रक्रिया उद्योग का मतलब क्या होगा? जो भी हमारे पास फल आता है उद्योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आम प्रक्रिया उद्योग है,
आम से अमावट बनाया गया है, आम का जूस बनाया गया है। फलों से निर्मित कई प्रकार के उत्पाद हम दैनिक जीवन में उपयोग में ला रहे हैं, मतलब हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, शरबत हो गया, जैम, जेली जैसे बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों का उपयोग सभी करते हैं, परंतु ये संभव है फलों पर प्रक्रिया करके, जो फल की फल के ऊपर इसकी प्रक्रिया करके ही हम बना सकते हैं। फल वैसे तो नाशवान खेती उत्पाद है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, वह साल भर उपयोगी हो ऐसे विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जो भी फल है हम साल भर तक उसको उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, शीत गृह जैसे उपयोग, मतलब कोल्ड स्टोरेज सुविधा से लेकर के सुखाना, नमक लगा करके रखना, शक्कर मिलाना, हवा बंद करना, ऐसी विभिन्न प्रक्रियाएं फल को टिकाने के लिए की जाती है। तो दोस्तों आज हमारा ये लेसन यहाँ पे ही समाप्त हुआ।